दोस्तों सेफ्टी हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखती है और बात हो अगर गर्ल्स सेफ्टी की तो काफी ज्यादा जरूरी हो गई है आज के समय को देखते हुए। तो दोस्तों अभी हाल ही में हुई घटनाओं को देखते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे गैजेट्स जिनका इस्तेमाल गर्ल्स अपनी सेफ्टी के लिए कर सकती हैं। और दोस्तों ये सारे के सारे गैजेट्स आपकी सेल्फ डिफेंस के लिए होते हैं, इसलिए इनको साथ में रखना पूरी तरीके से वैलिड भी होता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों अगर सिक्योरिटी चाहते हैं आप अपने अपनों की तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले गैजेट की ओर। S1 पेपर स्प्रे गन। दोस्तों आजकल के हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि आप जहां देखिए वहां आपको नई नई घटनाएं सुनने में आती हैं। ऐसे में हर कोई व्यक्ति अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए गन नहीं रख सकता, क्योंकि ऐसा करना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस को काफी हद तक बिगाड़ सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं एक ऐसा गैजेट जो कि किसी गन से कम ना हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का। दोस्तों ये एक पेपर स्प्रे गन होती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने दुश्मन को चकमा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें इस्तेमाल किया जाता है टियर गैस और पेपर स्प्रे मिक्सचर को, यानी कि आप जिस पर इसे फायर करते हैं तो ये एक अच्छा खासा क्लाउड क्रिएट कर देता है टियर गैस और पेपर स्प्रे का, जिससे कि सामने वाले को दिखना बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए और साथ ही एक धुएं का गुबार जैसा क्रिएट हो जाता है जिससे कि उसे सांस लेने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हालांकि ये सब कुछ टेम्परेरी होता है, लेकिन इतने समय में आप अपने दुश्मन को चकमा देकर आसानी से फरार हो सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की गन का इस्तेमाल किया जाता है अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए और इसे पूरी तरीके से रखना लीगल होता है। टेजर पल्स। दोस्तों आपने इस तरीके की गन अक्सर पुलिस वालों के पास देखी होगी जिसका इस्तेमाल वो चोर सिपाही खेलने में करते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, क्योंकि इसे इस्तेमाल करना पूरी तरीके से लीगल है और किसी के लिए हार्मफुल भी खास नहीं होता, लेकिन मौके पर यह आपके दुश्मन को धूल चटाने का काम बेशक करेगा। दरअसल इसमें एक छोटी सी कार्टेज पड़ी होती है जिसे आप किसी पर टारगेट कर सकते हैं। हालांकि इसमें आगे की तरफ एक लेजर लाइट लगी होती है जिससे कि इसे इस्तेमाल करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, यानी कि टारगेट को लॉक करने के लिए आपको निशानेबाज होने की जरूरत नहीं है। आप आसानी के साथ एक लिमिटेड डिस्टेंस में रहकर इसे किसी पर फायर कर सकते हैं, जिसके बाद ये आपके दुश्मन को एक जोरों का झटका देती है जिससे कि थोड़े समय के लिए आपके सामने वाला पूरी तरीके से डिसेबल हो जाता है। इतने समय में आपको मौका मिल जाता है कि आप वहां से कट लीजिए। तो दोस्तों इस तरीके का छोटा सा सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया गया खास गैजेट ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और खासतौर पर गर्ल्स के लिए ये काफी ज्यादा मायने रखता है। येलो जैकेट आईफोन केस। दोस्तों किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है किसी सेल्फ डिफेंसिव हथियार को हमेशा अपने साथ कैरी करना, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जिसे हम अपने साथ रखना नहीं भूलते, वो होता है आपका मोबाइल। तो अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल एक सेल्फ डिफेंसिव हथियार के रूप में तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके का गैजेट। दोस्तों नॉर्मली तो हम लोग फोन की सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते ही हैं केस कवर्स का, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये केस कवर आपको भी प्रोटेक्ट करे तो ये गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि दोस्तों इसमें इनबिल्ट होती है एक छोटी सी बैटरी जो कि आपके मोबाइल फोन को तो चार्ज का काम करेगी ही, लेकिन वक्त आने पर आप इसका इस्तेमाल अपने सेल्फ डिफेंस के हथियार के रूप में कर सकते हैं। इसमें लगे होते हैं दो छोटे छोटे टर्मिनल्स जिसकी मदद से आप अपने सामने वाले को एक जोरों का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकते हैं जिससे कि आपका दुश्मन थोड़ी देर के लिए किसी लायक नहीं बचेगा। तो दोस्तों इस तरीके का छोटा सा और सीक्रेट गैजेट आपके मोबाइल फोन के कवर के रूप में छुपा रहता है आपके पास, जिसे आप हमेशा अपने साथ लेकर कैरी कर पाएंगे। गर्बर गियर GCD मनी क्लिप। दोस्तों सेल्फ डिफेंस के लिए सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल होने वाला हथियार है वो होती है एक छोटी सी चाकू, लेकिन हर कोई चाकू लेके एवे नहीं घूम सकता। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं एक ऐसा गैजेट जो कि आपके लिए एकदम ट्रेडिशनल सेल्फ डिफेंस का काम करे लेकिन वो देखने में थोड़ा सा अच्छा हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का। दोस्तों वैसे तो ये देखा जाए एक ट्रेडिशनल ब्लेड होता है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए या किसी भी चीज को काटने के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं इसे अपने साथ कैरी करना तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, क्योंकि इसके साथ आपको एक केस कवर मिल जाता है इसका, जिसमें ये ब्लेड बहुत ही आसानी से फिट हो जाता है और दूर से देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएगा कि ये कोई चाकू या ब्लेड है। तो दोस्तों आप भी अगर अपनी सेल्फ डिफेंस चाहते हैं तो इस तरीके की सीक्रेट गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं दोस्तों गर्ल्स के लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, क्योंकि रात के समय अक्सर वो ऑफिसर्स वगैरह से लौटती हैं जिनमें उनको काफी ज्यादा कभी कभी तकलीफ हो जाती है। तो अगर आपके पास ये होगा तो एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा और आप अपने सामने वाले को एकदम मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगी। जैप स्टन गन। दोस्तों अब जो गैजेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो काफी ज्यादा पावरफुल और एक बेहतरीन औजार है सेल्फ डिफेंस का। दोस्तों वैसे तो काफी सारे ऐसे गैजेट्स होते हैं जो कि सामने वाले को अनकॉन्शियस कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये गैजेट एक ऐसा मजा चखाएगा कि जिससे सामने वाला वो हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि अगर आप इससे उसे मजा चखाते हैं तो इसमें उसको झटका लगेगा 9,50,000 वोल्ट का, जो कि काफी ज्यादा हिला देने वाला रहेगा। दरअसल नकल्स जैसा दिखने वाला ये गैजेट एक बेहद पावरफुल गैजेट रहता है जो कि खासतौर पर सेल्फ
रेजिस्टेंस के लिए तैयार किया गया है। दोस्तों इसमें इस्तेमाल किया जाता है नॉर्मल सेल्स को, जिसे कि आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, जिसके बाद एक बार ये सेल्स डालने के बाद आपको लगभग 2 साल की फुर्सत हो जाती है। और साथ ही इसमें एक सेफ्टी बटन दे रखी होती है, जिसे ऑन एंड ऑफ करके आप इसे इस्तेमाल कर पाएंगे और पर्सनल सेफ्टी के लिए एकदम बेहतरीन रहेगा। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं इसे परचेज करना तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एटॉमिक बियर टैक्टिकल पेन। दोस्तों आपने इससे पहले पेन का यूज स्पाई कैमरा के तौर पर तो होते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आप एक ऐसा पेन चाहते हैं जिसका इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस के लिए किया जा सके तो ये गैजेट आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा। दरअसल ये एक ऐसा मल्टीटास्किंग पेन होता है जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी हथियार के तौर पर किया जा सकता है। इसके आगे की तरफ एक छोटी सी नाइफ लगी होती है जो कि मल्टी टूल गैजेट का भी काम करेगी, जिसे कि आप बॉटल वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इस तरीके का गैजेट ग्लास शील्ड को तोड़ने में भी आपकी काफी हद तक मदद कर सकता है, जिसे सिर्फ आप एक ही झटके में पूरे ग्लास को चकनाचूर कर सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए देखने में तो ये एक नॉर्मल पेन की तरह लगता है, जिससे कि आप आसानी से लिख भी पाएंगे, लेकिन इसके ऊपर की तरफ एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा रहता है, जिसका इस्तेमाल एक टॉर्च की तरह भी किया जा सकता है। वहीं अगर आप चाहें तो इस टॉर्च लाइट को SOS मोड पर ले जा सकते हैं, जहां पर ये तेजी तेजी ब्लिंक करती है, जिससे कि आप किसी को इशारा देकर अपनी तरफ बुला पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का छोटा सा गैजेट हालांकि काफी ज्यादा नॉर्मल रहता है, लेकिन सेल्फ डिफेंस के लिए काफी हद तक ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पेपर स्प्रे प्लस नकल्स। दोस्तों पेपर स्प्रे एक ऐसी चीज है जिससे कि आप किसी को भी टेम्परेरी ब्लाइंडनेस दे सकते हैं कुछ घंटों के लिए, लेकिन दोस्तों ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है अपनी सेल्फ डिफेंस के एरिया में। हालांकि ये सामने वाले को तो दिक्कत देता ही है, लेकिन ये पूरी तरीके से टेम्परेरी होती है, यानी कि परमानेंट इसका कोई भी आपको असर किसी पर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इसीलिए खास हो जाता है किसी भी सेल्फ डिफेंस की सीरीज में। और अगर हम बात करें यहाँ पर इस गैजेट की, तो इसमें भी आपको एक छोटी सी बॉटल में पेपर स्प्रे ही मिलता है, जिसका इस्तेमाल आप किसी पर कर सकते हैं। वहीं इस गैजेट में आपको साथ में एक नकल बैंड भी मिल जाता है, जिससे कि आप इस बॉटल को अपने हाथों पर पूरी तरीके से फिट कर पाए, यानी कि इसको अपने साथ रखने के लिए आपको किसी भी तरीके की कैरी बैग की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी अपनी पर्सनल सेफ्टी को लेकर थोड़ा सा अवेयर हो तो एक बार इसे ट्राई करके देख सकते हैं। गार्डॉक इलेक्ट्रिक लिपस्टिक गन। दोस्तों गर्ल्स अक्सर अपने साथ मेकअप का सामान कैरी करती हैं, तो उनके मेकअप का सामान ही एक बेहतरीन सेल्फ डिफेंस का हथियार बन सकता है उनके लिए। दोस्तों लिपस्टिक जैसा दिखने वाला ये गैजेट दरअसल एक स्टन गन होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने सामने वालों को जोरों का झटका दे पाएंगे। वहीं अगर बात करी जाए तो ये एक ट्रेडिशनल कीरिंग की तरह होता है, जिसे आप आसानी से अपनी कीज वगैरह में लगा सकते हैं। वहीं इसके शेप को कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये देखने में एक प्योर लिपस्टिक लगता है। साथ ही इसमें एक LED टॉर्च लाइट भी लगी होती है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में किया जा सकता है। और जब आप इसकी बटन को दबाएंगे तो स्टन गन के साथ साथ ये LED फ्लैशलाइट भी ब्लिंक करना शुरू हो जाती है, जिससे कि देखने में काफी ज्यादा डरावना भी लगेगा सामने वाले को। इसमें एक छोटी सी रिचार्जेबल बैटरी लगी होती है, जिसे आप अपने मोबाइल फोन के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, और एक बार चार्ज कर लेने पर ये काफी दिनों तक चलता है। सेल्फ डिफेंस व्हिप। दोस्तों अब मैं आपको सेल्फ डिफेंस का एकदम देसी तरीका बताने वाला हूँ, जो कि आपको काफी ज्यादा पसंद भी आएगा। दरअसल जितने भी गैजेट मैंने आपको अभी तक दिखाए वो एक से एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नमूना है, लेकिन ये तरीका एकदम देसी तरीका होता है सेल्फ डिफेंस का, जिसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल ये एक छोटी सी फ्लेक्सिबल रॉड होती है, जिसे आप कहीं भी आसानी से कैरी कर सकते हैं, और खतरे की आशंका होते ही पहला अटैक आपको करना होगा, यानी कि आपको सामने वाले को सोचने का बिल्कुल भी मौका देना नहीं है और फटाफट उस पर हमला करके भाग लेना है। हालांकि ये बात तो माननी पड़ेगी कि इसे इस्तेमाल करने के लिए आपके पास हिम्मत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दोस्तों इंडियन गर्ल्स के पास हिम्मत की कमी नहीं होती, ये बात तो सभी जानते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं एक बेहतरीन सेल्फ डिफेंसिव गैजेट, वो भी एक बजट रेंज में, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का। डोर स्टॉप अलार्म सब्र। दोस्तों सेल्फ डिफेंस का एक बहुत ही बड़ा पार्ट होता है घरों की सेफ्टी, तो अगर आप भी चाहते हैं अपने घर को और भी ज्यादा सिक्योर करना तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का। दरअसल इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि ये आपके घर के एंट्रेंस को लॉक कर सकता है। ये एक ऐसा छोटा सा गैजेट होता है जिसे आपको अपने डोर्स पर लगाना होगा, और कोई भी अनऑथराइज पर्सन अगर इसे ओपन करने की कोशिश करता है तो इसमें एक अलार्म बजने लगेगा, जिससे कि वो डर कर भाग जाएगा। साथ ही आपके मोबाइल फोन पर भी ये आपको एक अलर्ट दे देगा, जिससे कि आप भी अवेयर हो सके इस चीज को लेकर। और अगर आप चाहें तो इस गैजेट को रिमोटली लॉक एंड अनलॉक भी कर पाएंगे, यानी कि अगर आप नहीं चाहते अपने घर में किसी अनऑथराइज पर्सन की एंट्री, तो इसे फटाफट लॉक करके आप अपनी सिक्योरिटी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो इस तरीके का छोटा सा गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है आपकी घरों की सेफ्टी के साथ साथ आपकी सेफ्टी के लिए। मैस पेपर स्प्रे।
दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप पर्सनल सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे का तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन अगर बात करी जाए तो उसमें कभी कभी ये गलती हो जाती है कि आपका निशाना चूक जाता है और पेपर स्प्रे आपके दुश्मन पर सही तरीके से नहीं पड़ पाता, जो कि और भी काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है खास तौर पर इस तरीके के पेपर स्प्रे जेल को, जिससे कि आप डायरेक्टली अपने सामने वाले पर इसे थ्रो कर पाएंगे। दोस्तों ये खास तौर पर बनाया गया एक ऐसा पेपर स्प्रे जेल होता है जो कि सामने वाले को एक लंबे समय के लिए तकलीफ दे सकता है, लेकिन इसके साथ आपको एक और भी स्प्रे मिलता है जो कि इसकी रिकवरी का काम करेगा। यानी कि आप अगर इसे किसी पर इस्तेमाल कर देते हैं और आप चाहते हैं उसकी रिकवरी, तो इस स्प्रे की मदद से आप आसानी से उसे रिकवर कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके का सेफ्टी गैजेट काफी ज्यादा तगड़ा हो जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए। फेक टीवी रेगुलर डिटरेंट। दोस्तों अगर आप अपने घर पर नहीं है और आपको अपने घर की चिंता हो रही है तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि चोरी के केस आपको खाली घरों में ज्यादा सुनने को मिलते होंगे, क्योंकि वहां पर कोई होता नहीं है और चोरों को काफी ज्यादा आसानी रहती है ऐसे में सेंध लगाने में। लेकिन अगर आप अपने घर में एक ऐसा गैजेट चाहते हैं जिससे कि किसी को भी लगे कि आपके घर में हमेशा कोई है, तो इस्तेमाल कर पाएंगे इस तरीके की फेक लाइट का। दोस्तों ये एक ऐसी लाइट होती है जो ठीक वैसी ही लाइटिंग करती है जैसे कि आपकी टीवी से निकलती है, यानी कि कोई भी अगर बाहर से देखेगा तो उसको यही लगेगा कि अंदर कोई बैठकर टीवी देख रहा है। तो इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाता है। अगर आप भी अपने घर पर नहीं है और आप चाहते हैं किसी गैर जरूरी खतरे से बचना, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट का। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बताया आपको कुछ ऐसे गैजेट जिनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए, और गर्ल्स के लिए इस तरीके के गैजेट काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं क्योंकि आजकल का माहौल आपने देख ही रखा है, ऐसे में ये गैजेट्स उनके लिए एक प्राइमरी सेफ्टी गार्ड का काम करेंगे। तो अगर आपको ये गैजेट्स पसंद आए हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप इनमें से किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या इनके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। फिलहाल तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।